हेलो दोस्तों, आज मैं हिंदी पढ़ना और लिखना सिखा रहा हूँ। आज हम मात्राओं के बारे में सीखेंगे और मात्राएं कैसे लगाएं, कहाँ कौन सा मात्राएं लगाया जाता है, उसी का आज हम बात करेंगे। और साथ में मात्राओं के साथ मिलकर जो शब्द बन रहे हैं वो भी देखेंगे। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इससे पहले मैंने बताया हुआ है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। स्वर वर्ण ओ आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ ओ अं अह। तो छोटा ई को प्रेशर के साथ बोलेंगे और बड़ा ई को लंबा खींचेंगे, जैसे ई, बड़ाई को ई। उसके बाद देखिए छोटा ऊ को ऊ, बड़ा ऊ को ऊ। ठीक है, आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। ओ का मात्रा नहीं होती है, ये अमात्रिक शब्द है, इनका कोई मात्रा नहीं होता। को और ओ मिलकर के को ही बनता है। अब जैसे को और रो लगाया तो बन गया कर, को और लो लगाया तो बन गया कल। आ की मात्रा में एक डंडा लग जाता है, इसी ही डंडा जैसे क पे आ लग गया तो बन गया का, जैसे का के साथ मो लग गया तो बन गया काम, का के साथ लो लग गया तो बन गया काल। छोटी ई की मात्रा एक डंडा लग के आगे तरफ होती है, जैसे को पे इसी मात्रा लग गई तो बन गया की और ला लग गया तो बन गया किला, की और या लग गया तो बन गया किया। बड़ी ई की मात्रा में डंडा लग के पीछे तरफ होती है, जैसे को पे लग गई तो बन गया की, जैसे की और लो लग के कील बन गया, की और मत लग के कीमत बन गया। इसका उच्चारण लंबा होता है, इसीलिए दीर्घ स्वर आया। ओके दोस्तों, छोटे ऊ की मात्रा पीछे की तरफ होती है, क के साथ ऊ लग गई तो बन गया कू। प्रसार के साथ बोलेंगे। अब देखिए कू के साथ लो लग गई तो बन गया कुल, और कू के साथ सल लग गई तो बन गया कुशल। बड़ा ऊ के मात्रा आगे की तरफ होती है, को के साथ बड़ा ऊ की मात्रा लग गई तो बन गया कू। दोस्तों, इसका लंबा उच्चारण होगा, जैसे कू के साथ पो लग गया तो बन गया कूप, कू के साथ रूप लग गया तो बन गया कुरूप। इसके बाद री, ऐसे ही री की मात्रा नीचे से घुमाकर होती है, को पे री की मात्रा लग गई तो बन गया क्री, ये बना शब्द कृपया कृषक। ऐसी ही ए में ऊपर एक डंडा लगता है तो को और ए मिलकर के बन जाता है, के से बना शब्द केला और केशव। ए, इसी
ए की मात्रा में ऊपर दो डंडे लग जाते हैं को के साथ, ए मिलकर बना केई, केई से बना शब्द कैलाश और कैसा। अब जैसे ओ की मात्रा को में ओ मिलकर बना को, जैसे को से बना शब्द कोयल और कोमल। इसी तरह से ओ की मात्रा के ऊपर दो डंडे लगते हैं को के साथ, ओ मिलकर बना को, तो ये बना आपका कौआ और कौन। अंग, अंग में ऊपर एक बिंदी लग जाती है को के साथ, अंग मिलकर कंग बन जाता है। कंग से बना शब्द आपका हुआ कंघा, कंगाल और कंगारू। ओह, ओह की मात्रा में हो की आवाज़ निकलती है, आगे दो बिंदी लगाया जाता है, को पे हो की दो विसर्ग लग गए तो बन गया कह। आपका शब्द बन गया बालक सुको। ये संस्कृत में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।